कि आपको पता है कि टोटल ओवरडोज का एक सेकेंड पार्ट भी था, लेकिन फिर वो कभी रिलीज क्यों नहीं हुआ? अगर आपको टोटल ओवरडोज के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सीक्रेट्स जानने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेजी असैसिन चैनल पे, जहां हम गेम्स की स्टोरीज एंड फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। पापा मोर्ते इस गेम का मेन विलन, बहुत बड़ा ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड, न जाने कितने इलीगल काम किए हैं इसने। रमीडो के फादर को भी मरवाया और न जाने कितने इनोसेंट मासूम लोगों को मरवाया है इसने। इस गेम की स्टार्टिंग से आपका एक ही मिशन होता है कि आपको अपने पापा के हत्यारे को ढूंढना है और इसे मारना है, जो कि पापा मोर्ते। लेकिन एंड में आपको पता चलता है कि ये आपको कभी नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ गाइस कि जो मेन विलन है उसको ही नहीं मारा गया इस गेम में, वो एंड में आपको मिला ही नहीं? ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि प्लान किया गया था कि इस गेम का एक पार्ट 2 भी होगा और उसमें ही स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए पापा मोर्ते को कभी नहीं मारा गया। लेकिन देखा जाए तो एक काफी लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट थी कि स्टार्टिंग से जिस एक बंदे को ढूंढ के मारने के लिए गेम खेल रहे हैं, इतना ज्यादा एक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो एंड में मिलता ही नहीं है। लेकिन फैक्ट यही है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट प्लान किया गया था उसमें ये पापा मोर्ते को शायद मारते हैं। गाइस फैक्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और फैक्ट नंबर 2 ये है कि ये गेम जो है ना, ये इंडिया में तो बहुत ज्यादा हिट हुआ था। मतलब इतना ज्यादा एक्शन और इतने बढ़िया बढ़िया मूव्स थे, लोको मूव्स वगैरह, भाई क्या क्या मूव्स थे। जो शूटिंग गेम था ना, मतलब इसे शूटिंग गेम का एक थ्रेशोल्ड माना जाता था कि अगर आप शूटिंग गेम खेलते हो तो आपने टोटल ओवरडोज तो जरूर खेला होगा। भाई लोग पूछते थे एक दूसरे से, अच्छा तू शूटिंग गेम्स खेलता है, टोटल ओवरडोज खेला है? इतना बढ़िया गेम था ये, इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। गाइस एक पुराना गेम है 2005 का, उस टाइम पे इंडिया में गेमिंग की मार्केट नहीं थी। उस टाइम पे मार्केट जो थी वो चल रही थी वो यूएस और बाहर की कंट्रीज में थी, और वहां पे तो ये गेम फ्लॉप गया था। मैं कहूंगा फ्लॉप भी नहीं चलो, लेकिन एवरेज सा गेम था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस गेम को कहा गया था कि ये कॉपी है GTA की और मैक्स पेन की। इसने GTA का जो ओपन वर्ल्ड वाला एक्सपीरियंस है कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, कहीं पे भी घुस सकते हो, वो जो GTA वाली ओपन वर्ल्ड वाली बात है, GTA Vice City, GTA San Andreas, उस चीज़ को कॉपी किया गया था। और मैक्स पेन से इसने वो बहुत सारे मूव्स को चुराए थे। आपने देखे होंगे बहुत सारे मूव्स लोको मूव्स हैं, मतलब आप उछल उछल के मार रहे हो लोगों को, घूम घूम के मार रहे हो लोगों को, दीवार वाला तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी सारे मूव्स हैं जो कि मैक्स पेन से चुराए गए थे। तो इसीलिए इस गेम को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। मतलब बाहर कहा जाता था कि GTA एक तरफ कितना सही गेम है, कितना बढ़िया ग्राफिक्स है, कितना बड़ा मैप है और कितनी चीज़ें आप कर सकते हो उसमें, और GTA तो बहुत पहले ही आ गए थे 2002 में, 2003 में, 2001 में। लेकिन दूसरी तरफ देखो तो टोटल ओवरडोज मैप भी इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। वैसे बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था अगर GTA से कंपेयर करो, और ग्राफिक्स भी कुछ खास नहीं थे और ऊपर से दिखने में भी अच्छा नहीं था। तो ये सब स्टेटमेंट्स दी जाती थी बाहर की कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में तो ये काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बॉलीवुड स्टाइल एक्शन, गन फाइट्स, बहुत सारे एक्सप्लोजन्स, और मतलब लगता है कि रोहित शेट्टी ने इस गेम को बनाया हो। और गाइस फैक्ट नंबर 3 में मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल ओवरडोज का एक पार्ट 2 भी आने वाला था, जिसका नाम होने वाला था टोटल ओवरडोज 2 टेकिला गनराइज। टोटल ओवरडोज पार्ट 2 में रमीरो की स्टोरी को ही आगे कंटिन्यू किया जाता कि वो कैसे पापा मोर्ते को ढूंढता है और उसे मारता है। और ये गेम काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसमें मेक्सिको का पूरा मैप को कवर करते, और टोटल ओवरडोज पार्ट 1 में इतना एक्शन था तो इसमें तो सोच लो कितना होता, बहुत सारा एक्शन, बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते इसमें, और पुराने वाले गेम से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये गेम कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस गेम को बनाने वाले जो स्टूडियोज है डेड लाइन गेम्स, वो शट डाउन हो गई, वो बंद हो गई, और इसीलिए टोटल ओवरडोज 2 पे जो काम चल रहा था उसे रोक दिया गया और प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, डेडलाइन गेम्स उस वक्त और भी 2-3 गेम्स पे काम कर रही थी और वो भी कैंसिल कर दिए गए। फिर कुछ सालों बाद जो गेम डेवलपर्स टोटल ओवरडोज 2 पे काम कर रहे थे डेडलाइन गेम स्टूडियो के साथ, उन्होंने ना टोटल ओवरडोज 2 जो इनकम्प्लीट थोड़ा रह गया था उसका थोड़ा सा गेम प्ले का पार्ट और कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स जो थे वो शेयर कर दिए नेट पे, वो थोड़े वायरल भी हो गए थे। तो गाइज उसके लिए एक अलग वीडियो है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे टोटल ओवरडोज 2 के। और गाइज फैक्ट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल ओवरडोज का एक अलग पार्ट भी है। क्या टोटल ओवरडोज 2? जी नहीं दोस्तों, ये है चिलिकॉन कार्नेज। ये एक
अलग गेम है जिसका मेन करेक्टर भी रमीरो ही है, जो कि टोटल ओवरडोज वाला ही था। और ये टोटल ओवरडोज के 2 साल बाद रिलीज हुआ था गेम, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो टोटल ओवरडोज से काफी अलग है। इस गेम को तो एज अ रीमेक कहते हैं टोटल ओवरडोज का, और ये सिर्फ प्लेस्टेशन पोर्टेबल यानी कि पीएसपी के लिए ही रिलीज हुआ था। बिल्कुल टोटल ओवरडोज जैसा ही गेम है, करेक्टर भी सेम है, बस स्टोरी लाइन अलग है। और वो मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें दिखाया गया है कि रमीरो अपने फादर के बर्थडे पे उन्हें कुछ किटन्स गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उसके फादर और उन किटन्स का मर्डर कर दिया गया, और इसलिए अब रमीरो काफी ज्यादा गुस्सा है और अब रिवेंज लेना चाहता है, जिसके लिए वो कई सारे ड्रग लॉर्ड, फीमेल फैटल्स, करप्ट बैंडिट से पंगा लेता है। और वही बहुत सारा एक्शन, एक्सप्लोजन सब है इस गेम में। अगर आपके पास पीएसपी नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक गेम प्ले वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में जो है पूरे गेम का एक गेम प्ले मिल जाएगा, आप उसे देख के भी संतुष्ट हो सकते हैं। और गाइस फैक्ट नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं कि टोटल ओवरडोज गेम में भी अंदर ही अंदर काफी सारे मिनी गेम्स हैं, जिसमें कि आपको एक सिचुएशन के बीच में छोड़ दिया जाएगा जहां पे बहुत सारे लोग आप पे अटैक कर रहे हैं, और आपको एक बहुत ही बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा करना होगा। जितने ज्यादा लोगों को मारेंगे उतना बड़ा स्कोर आपका होता जाएगा, और जो बेस्ट स्कोर अगर आप खड़ा कर लेंगे तो वहां से निकल जाएंगे और वो मिनी गेम जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं, चिलिकॉन कार्नेज में भी है और मेन टोटल ओवरडोज गेम में भी है। और उसमें आपको और भी बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैड रेसलर मोड, जिसमें आप जो एक रेसलर का जो आउटफिट पहन लेंगे और आपके पास बहुत सारे रेसलर जो है वो भाग भाग के आएंगे, आपको उन्हें मारना है, हाई स्कोर खड़ा करना है। और ऐसे ही है डे ऑफ द डेड, जिसमें बहुत सारे जॉम्बीज जो है वो आपकी तरफ भाग के आएंगे, आपको मारेंगे, आपको उनसे बचना है, उनको मारना है। जितने ज़्यादा को आप मारेंगे उतना ज़्यादा आप बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो काफ़ी फन चीज़ है, और इसी चीज़ में तो मज़ा आता था टोटल ओवरडोज की। तो गाइस बस यही थे फैक्ट्स टोटल ओवरडोज को लेके, उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे। मैं मानता हूँ कि टोटल ओवरडोज को लेके ज़्यादा फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे, और ना ही मुझे ज़्यादा मिले हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं कि ये वाली गाड़ी कैसे लेते हैं, ये वाली गन कैसे लेते हैं, ये आपको पता ही होंगे, आपको इतने साल हो गए खेलते खेलते। एंड गाइज अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि टोटल ओवरडोज खेल चुके हैं या फिर अभी भी खेल रहे हैं, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है भाई, इतना ज़्यादा एक्शन, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।